हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हेलो फिजिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस के बारे में, यानी कि किसी भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से हम रे डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ ये जो टॉपिक है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 लेंस का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को देखते समय आप बुक और पेन निकाल कर नोट्स भी बनाते रहें, बिकॉज आपके हाथ का नोट्स आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप हमसे नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का आईडी का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च में आपको बस लिखना है हलवा फिजिक्स, आपको हमारा चैनल वहाँ पर मिलेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे नोट्स ले सकते हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। नाउ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड। वो पॉइंट ये है कि ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। मेरा जैसा रोज का वीडियोज़ होते हैं उस तरह से ये वीडियो नहीं है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का वीडियो है। सो ये वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये वीडियो का टाइप आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पेज नंबर 82 पूरा यहाँ पर चिपका दिया है। अब हम लोग डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि उस पेज में आपको क्या क्या दिया गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन। क्या लिखा है, रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन। सर रिफ्रैक्शन क्यों दिया है, हम लोग तो लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। यस, लेंस के बारे में पढ़ रहे हो, बट वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। लेंस के थ्रू क्या होता है, सर रिफ्रैक्शन होता है। मिरर के थ्रू क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। सो इनडायरेक्टली आप रिफ्रैक्शन ही पढ़ रहे हो, इसलिए यहां पर लिखा है रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन। नाउ आगे क्या लिखा है, यू हैव लर्न द रूल फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम फॉर स्पेरिकल मिरर। आपने स्पेरिकल मिरर का रे डायग्राम कैसे फॉर्म करते हैं ये पढ़ रखा है पहले से। है कब पढ़ा, मुझे तो नहीं याद आ रहा। अरे याद करो, जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे तो आपने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, उससे कैसे इमेज फॉर्म करते ये सीखा। आपने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, उससे कैसे इमेज फॉर्म करते ये सीखा। तो वो क्या था, वो रे डायग्राम ही था ना। और कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या है, स्पेरिकल मिरर के तो टाइप्स है। ओके, चलो अब समझ में आ गया। नाउ आगे क्या लिखा है, सिमिलरली वन कैन ऑब्टेन द इमेज फॉर्म बाय लेंसेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। सेम उसी तरह से आप ना लेंस के थ्रू भी कैसे इमेज फॉर्म होता है ये भी पता कर सकते हो रे डायग्राम का यूज करके। ओके, आगे लिखा है वन कैन ऑब्टेन पोजिशन साइज नेचर ऑफ द इमेजेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, यानी कि रे डायग्राम, ठीक है। यानी कि आप ना रे डायग्राम का यूज करके किसी भी लेंस के थ्रू किसी भी इमेज का, लेंस से जो भी इमेज फॉर्म होने वाला है उस इमेज का पोजिशन साइज नेचर फाइंड कर सकते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन साइज एंड नेचर, मतलब सपोज आपका लेंस है और उस लेंस से जो भी इमेज फॉर्म होने वाला है उस इमेज का पोजीशन क्या है, यानी कि वो कितना दूर फॉर्म हुआ है लेंस से, जो इमेज फॉर्म हुआ है वो लेंस से कितना दूर फॉर्म हुआ है। दूसरा साइज क्या है, वो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो इमेज बड़ा है छोटा है या ऑब्जेक्ट के ही साइज का है, कैसा उसका साइज है ना, उसका हाइट कितना है। और तीसरा चीज आप फाइंड कर सकते हो उसका नेचर क्या है, नेचर इन द सेंस वो इमेज सच में फॉर्म हुआ है या फिर वो इमेज हम लोग ने अज्यूम करके फॉर्म किया, यानी कि वो जो इमेज है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। हम ये सारी चीज पता कर सकते हैं रे डायग्राम का यूज करके, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाएंगे एंड देन हम लोग जाएंगे कॉनकेव लेंस के ऊपर। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म हो सकता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स यहाँ पे दिए हुए, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप के रेज है, एक है इंसिडेंट रे और एक है रिफ्रैक्टेड रे। सर इंसिडेंट रे क्या होता है, आने वाली रे, ठीक है, लेंस के ऊपर जो रे आती है ना उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे मतलब जाने वाली रे जो लेंस से टकरा कर चली जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लिखा है बट एक्चुअल में वो रिफ्रैक्टेड होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टेड होगा। ओके, सो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड होना चाहिए, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है, छोड़ो टेक्स्ट बुक है क्या करेंगे, गलती हो जाती है। ओके, नाउ तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड होगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट टेड रे। ओके, चलो अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल
टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक है, इसके पैरेलल जा रहा है इंसिडेंट रे, ओके, तो क्या होगा, देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, मतलब ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो गया, अब रे रिफ्रैक्ट होगा, सो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ना, वो रिफ्रैक्टेड रे कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म करने के लिए सबसे पहला रूल आपको यही याद रखना है कि अगर कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुआ किसी कॉन्वेक्स लेंस पर, तो उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो कहां से पास होगा, वो पास होगा फोकस से। चलो ये पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड रूल क्या है यहाँ पे, सेकेंड रूल इज अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो, आप देखो इंसिडेंट रे कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है ठीक है। सो अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हुआ, तो कॉन्वेक्स लेंस से इंसिडेंट होने के बाद, कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद वो कहां से पास होगा, वो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर रहेगा क्या, ओके। नाउ थर्ड यहाँ पे क्या लिखा है रूल, थर्ड रूल है व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बहुत ईजी है, क्या लिखा है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होने जाएगा, ठीक है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने जाएगा, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। देखो इधर डायरेक्शन चेंज हो रहा था, सीधा जा रहा था, डायरेक्शन चेंज, नीचे चला गया, फोकस से पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे फोकस से पास हो रहा था, सीधा जाना चाहिए, बट टेढ़ा हो गया, पैरेलल चला गया प्रिंसिपल एक्सिस के, बट यहाँ पर जब ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे पास होगा, तो सीधा चला जाएगा, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो आई होप आपको ये तीनों रूल समझ में आया होगा, ओके। नाउ आगे देखो, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और एक्सपेरिमेंट में आपको लेना क्या क्या है, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए आपको, स्क्रीन चाहिए, मीटर स्केल चाहिए, स्टैंड फॉर द लेंस, अच्छा लेंस को पकड़ने के लिए एक स्टैंड चाहिए रहता है, ओके, चॉक चाहिए आपको, ओके, कैंडल चाहिए, एक्सेट्रा, ओके। नाउ क्या लिखा है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट क्या है ये। सो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक लंबा सा टेबल लेना है, ठीक है, ये ब्लू कलर का आपको टेबल दिख रहा है, यस, ये टेबल लेना है, और इस टेबल के बीच में आपको ये लेंस लगा देना है, इस टेबल के बीच में आपको क्या लगा देना है, ये लेंस लगा देना है, ठीक है। अब ये लेंस बीच में आ गया है, ओके, इसको पॉइंट दोगे आप ओ, इसको क्या नाम दोगे आप, ओ नाम दोगे, ठीक है, ये आपका एज अ ऑप्टिकल सेंटर वर्क करने वाला है, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे आपको क्या करना है ना, इस कैंडल को पीछे लेके जाओ, 2F1 के, क्या 2F1 है ना, हाँ 2F1 के पीछे लेके जाओ, पीछे कहीं पे एक पॉइंट तक लेके जाओ, ठीक है, और वहां पे इसको फिक्स कर दो। अब ये कैंडल यहीं पे क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये कैंडल से लाइट इस कॉन्वेक्स लेंस पे पहुंचेगा, और कॉन्वेक्स लेंस से लाइट आगे जाएगा, ठीक है, और आगे इमेज कहीं तो फॉर्म होने वाला है, बट स्क्रीन तो मेरा यहाँ पर है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होने वाला है ये कैसे पता चलेगा, सिंपल है, इस स्क्रीन को ना आप मूव करो, स्क्रीन को आगे या पीछे कहीं भी ऐसा मूव करते जाओ, आप मूव करोगे तो आप देखोगे कि स्क्रीन के ऊपर ना ये कैंडल का इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बट ऐसा इमेज नहीं चाहिए हमको, एकदम क्लियर इमेज चाहिए, ऐसा कुछ भी इमेज नहीं चाहिए हमको, एकदम क्लियर इमेज चाहिए। सो हम क्या करेंगे, स्क्रीन को ना आगे पीछे मूव करेंगे धीरे धीरे, और देखेंगे कहाँ पर एकदम शार्प, एकदम क्लियर इमेज फॉर्म हो रहा है इस कैंडल का, जो कि 2F1 के पीछे है, ठीक है। जहां पे भी आप देखोगे ना स्क्रीन के ऊपर एकदम क्लियर इमेज फॉर्म हो गया है, बस उस डिस्टेंस को नोट कर लेना, ठीक है। उस टाइम पे देखना कि इमेज जो फॉर्म हुआ है स्क्रीन के अंदर, वो इमेज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा इमेज है, ये चेक कर लेना, ठीक है। और साथ साथ उसका नेचर भी देखना, नेचर मतलब क्या होता है, नेचर मतलब वो जो इमेज बना है वो उल्टा है कि सीधा है। अगर उल्टा हुआ तो उसको आप बोलोगे इन्वर्टेड इमेज, क्या बोलोगे, इन्वर्टेड इमेज। अगर सीधा हुआ तो उसको आप बोलोगे अरेक्ट इमेज, क्या बोलोगे, अरेक्ट इमेज। ये चीज क्लियर रहेगा क्या, पक्का ना। यही सेम चीज़ आपको क्या करना है, अलग अलग डिस्टेंस के लिए चेक करना है। मतलब अभी आपने कैंडल को 2F1 के पीछे रख के देखा ना, अब कैंडल को आप 2F1 पे रख के देखो, तब देखो स्क्रीन पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है और कैसा फॉर्म हो रहा है। फिर 2F1 और F1 के बीच में रख के देखो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है और कैसा फॉर्म हो रहा है। फिर F1 पे रख के देखो, फिर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख के देखो। हाँ, लेंस में मत घुस जाना, ठीक है क्या, ओके, लेंस के ऊपर नहीं, बस ये लास्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है ये देखने का, ठीक है। चलो बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं। नो यहाँ पर आपको एक रिकॉल दिया हुआ है, व्हाट आर रियल एंड वर्चुअल इमेज। क्या आपको याद है रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है, नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। रियल इमेज वो इमेज होता है जो एक्चुअल में फॉर्म होता है, ठीक है,
जो क्या होता है एक्चुअल में फॉर्म होता है, और वर्चुअल इमेज वो इमेज होता है जो एक्चुअल में फॉर्म नहीं होता, हम लोग अज्यूम करते कि ये शायद फॉर्म हुआ होगा, ऐसे फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। फॉर लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप इस कैंडल को ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के जब बीच में लेके जाओगे ना, तो आपको ये स्क्रीन पे ना कहीं पे भी इमेज फॉर्म होते हुए दिखेगा नहीं इस तरफ। ये स्क्रीन को आप कितना ही यहाँ पे भगा लो, कितना भी आगे पीछे कर लो, क्लियर इमेज क्या इमेज ही नहीं दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर। क्यों इमेज नहीं दिख रहा? बिकॉज ये जो इमेज यहाँ पे इसका बनने वाला है ना, इमेज तो देखो बनेगा, पर वो जो इमेज बनने वाला है ना, वो इमेज एक्चुअल में बनता ही नहीं है। वो इमेज को हम लोग अज्यूम कर लेते कि ये कहीं पे तो बना होगा, ठीक है। वो कहाँ पे बना होगा हम लोग देखेंगे उस टाइम पे, ठीक है क्या। सो ऐसे टाइप का जो इमेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और जो रियलिटी में बनता है जैसे कि यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रहा है यहाँ पर इमेज, ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा है, हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर एन इमेज इज रियल और वर्चुअल। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई इमेज रियल है कि वर्चुअल है? तो एक टेक्निक आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपका इमेज ये राइट साइड में स्क्रीन पर फॉर्म हो गया तो मतलब वो रियल इमेज है, और अगर स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हुआ तो वो वर्चुअल इमेज है। ये चीज़ क्लियर रहेगा पक्का। अब आगे क्या लिखा है, कैन अ वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन? ऑब्वियसली नो, कब से यही तो बता रहा हूँ कि स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल इमेज कभी फॉर्म होता ही नहीं है। क्लियर रहेगा ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है 7.7, ठीक है। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ बात जानते हैं। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बियॉन्ड द पॉइंट 2F1। अब यहाँ पे देखो ये 2F1 पॉइंट है, ये 2F1 पॉइंट के पीछे साइड एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको बी ए मत पढ़ना, इसको आप ए बी पढ़ना, ऐसा नीचे से पढ़ा जाता है, ठीक है। सो ये एक ए बी पॉइंट है, ठीक है। ये ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट को आपने 2F1 के पीछे रखा है। आगे क्या लिखा है, द इंसिडेंट रे बी सी, एक इंसिडेंट रे है बी सी। देखो ये इंसिडेंट रे गई ऐसा बी सी, ठीक है। अब बताओ कोई अगर इंसिडेंट रे पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगा? ऑफ कोर्स फोकस से। सो देखो ना ये फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। रूल पढ़ा है ना, वो रूल के अकॉर्डिंग। नाउ क्या लिखा है आगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F2 आफ्टर रिफ्लेक्शन अलोंग सी टी। तो देखो ये सी टी से रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होके गई है, बस जो मैंने बताया वही लिखा है। आगे क्या लिखा है, द रे बी ओ स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस गोज अलोंग ओ एस विथाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मतलब क्या बताए, देखो यहाँ से ना दूसरा लाइन, हम लोग देखो कभी भी ना कोई भी इमेज फॉर्म करना है तो हम लोग दो, वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे लाइट रेस पास होते हैं, बट हम लोग एटलीस्ट टू को ही कंसिडर करेंगे ताकि हम अच्छे से एक इमेज फॉर्म करके आपको दिखा सके, ठीक है। सो एक लाइट रे हम लोग ने इसको कंसिडर किया जो कि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और दूसरा लाइट रे हमने उसको कंसिडर किया जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। सो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास होती है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है अभी इमेज देखो, ये दोनों कहाँ पे आके मीट हो रहे, इस पॉइंट पे आके मीट हो रहे। तो जहाँ पे मीट होगा वहाँ से क्या करो, स्ट्रेट लाइन ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बना दो, वहीं पे आपका क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला है, ठीक है। वो स्क्रीन को आप यहीं पे प्लेस करोगे, आपको मस्त एकदम इमेज, क्लियर इमेज फॉर्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। सो ये एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, इमेज फॉर्म कर सकते हो। अभी पीछे आपने क्या देखा, आप स्क्रीन को आगे पीछे मूव कर रहे थे। अरे ऐसा कौन करता है, हम लोग डायरेक्टली क्या बनाते हैं, हम लोग डायरेक्टली रे डायग्राम फॉर्म करते हैं। रे डायग्राम फॉर्म करो, डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट कहाँ पे बनने वाला है आपका इमेज, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लो, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो देखो आगे क्या लिखा है, इट इंटरसेक्ट सी टी इन बी डैश। अब देखो इंटरसेक्ट ये बी डैश है, ठीक है, ये बी डैश पे क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। दिस मीन्स डैट द इमेज ऑफ बी इज फॉर्म्ड एट बी डैश। इसका मतलब है कि इस बी का इमेज जो है वो बी डैश पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। एज ए इज सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स इमेज विल ऑल्सो बी लोकेटेड अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ए डैश। तो देखो ये भी है ए डैश पे, है ना, इसका जो ए पॉइंट है वो ए प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इसका भी ए पॉइंट कहाँ पर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, तो उसको हम लोग ए डैश नाम दे रहे हैं, ठीक है। नाउ वर्टिकली अबव बी, थस ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ ए बी फॉर्म बाय लेंस। तो ये ए बी का इमेज जो होगा वो क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा। चलो इतना तो समझ में आ रहा है ना। आगे क्या लिखा है, सो वी लर्न डैट If an object is placed beyond 2F1, so हमें क्या पता चला कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कहाँ फॉर्म हो रहा है, F2 और 2F2 के बीच में फॉर्म हो रहा है। अच्छा, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2
इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ये जो इमेज है ना वो रियल है. रियल क्यों है? बिकॉज राइट साइड में मैंने बताया राइट साइड में फॉर्म हो रहा है. एक्चुअल में लाइट रेज देखो मीट हो रहे हैं ना, तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये रियल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है. और ये जो इमेज है वो क्या इन्वर्टेड है. अभी इन्वर्टेड का मतलब मैंने बताया, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा इमेज, है ना. तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये इमेज क्या है? उल्टा इमेज है, ठीक है. उल्टा इमेज मतलब देखो ना, अगर सीधा होता था तो ये ऊपर की तरफ फॉर्म होता, ठीक है. अब ये उल्टा है इसलिए नीचे की तरफ फॉर्म हुआ है. ये चीज क्लियर रहेगा? ओके. एंड इट्स साइज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. और इसका जो साइज है आप देखोगे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है? स्मॉलर है, ठीक है. अब यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है. क्या है देखो यहाँ पे, स्टडी फिगर 7.8. ये है फिगर 7.8. इसको स्टडी करो एंड डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम. अब रे डायग्राम के हेल्प से ना आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रख के इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है उसके बारे में क्या करना है? पता करना है. आपको इमेज का पोजीशन पता करना है, आपको इमेज का साइज पता करना है, आपको इमेज का नेचर पता करना है, ठीक है. और जो भी आपका कंक्लूजन होगा उसको आप इस टेबल के अंदर क्या कर दो? लिख दो, ठीक है. सो टेबल के अंदर पहले से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट पे कैसा कैसा इमेज फॉर्म हुआ ये आपको बताने वाला हूँ, ठीक है. ध्यान से देखना. अब देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है एक कॉन्वेक्स लेंस. ये क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है. क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है. अब ये कॉन्वेक्स लेंस के बीच में यहाँ पे एक ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है. अब आपको करना क्या है ना, सबसे पहले ये ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट ऐसा लाइन बना दो, यानी कि एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दो यहाँ पे, ठीक है. अब ये ऑप्टिकल सेंटर से 2 सेंटीमीटर, जरूरी नहीं है 2 सेंटीमीटर, आप कितना भी एक फिक्स डिस्टेंस ले लो, ठीक है. मैंने 2 सेंटीमीटर कंसिडर किया है. सो मैं ये ऑप्टिकल सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे F1 ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है. और ये F1 से और 2 सेंटीमीटर पे 2F1 ड्रॉ कर देता हूँ. क्लियर रहेगा क्या? आप चाहिए तो 3 सेंटीमीटर लेना, बट याद रखना अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर पे F1 बना रहे हो तो और 3 सेंटीमीटर पे ही 2F1 बनाना, ठीक है. क्या ऐसा बदलना मत, ठीक है. ये 3 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर ऐसा मत करना, ओके. अब यही सेम चीज़ मैं राइट साइड भी करूँगा. यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लिया, फिर और 2 सेंटीमीटर पे 2F2 बनाऊंगा. ये चीज़ क्लियर है क्या? पक्का. अब देखो यहाँ पे सबसे पहला कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है? सबसे पहला आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये इन्फिनिटी पर. कहाँ पर है? इन्फिनिटी. सर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है. और एक बात हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी से जब भी लाइट रेज इंसिडेंट होगी लेंस के ऊपर तो पैरेलल ही इंसिडेंट होगी. कैसे इंसिडेंट होगी? पैरेलली इंसिडेंट होंगी, ठीक है. सो ये एक इंसिडेंट रे आया लेंस के ऊपर एकदम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, पक्का, ओके. और ये एक और इंसिडेंट रे आया एकदम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, पक्का, ओके. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट रे है और इन्फिनिटी से आ रहा है तो हमेशा पैरेलल ही आएगा. और हम लोग कोई भी 2 इंसिडेंट रे को ही कंसिडर करने वाले, ठीक है. वैसे आने वाली बहुत सारी इंसिडेंट रे, बट हम लोग कंसिडर करेंगे सिर्फ 2 को. सो हम लोगों ने ये 2 इंसिडेंट रे को यहाँ पे क्या कर लिया? कंसिडर कर लिया, ठीक है. सो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है. अब ये इंसिडेंट रे ये कॉन्वेक्स लेंस से क्या होंगे? इंसिडेंट होके रिफ्रैक्ट होने वाले. चलो देखते हैं कहाँ से रिफ्रैक्ट होगा. सो आपको पता है जब कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद वो कहाँ पर जाता है? वो फोकस से पास होकर जाता है, राइट. सो देखो ये फोकस से ही पास होगा. ये देखो फोकस से पास हो गया, पक्का, समझ में आ रहा है आपको. अब उसी तरह से ये जो ये वाला इंसिडेंट रे है ये भी क्या होगा? ये लेंस से टकराने के बाद कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा, बिकॉज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. तो देखो ये भी कहाँ से पास हो रहा है? फोकस से पास हो रहा है. कहाँ से पास हो रहा है? फोकस से पास हो रहा है. क्लियर है क्या ये चीज़? पक्का. सो यहाँ पे जो आपका इमेज फॉर्म हुआ वो कहाँ पे फॉर्म हुआ? F2 पे फॉर्म हुआ. कहाँ पे फॉर्म हुआ? F2 पे. और देख रहे हो एकदम छोटू सा इमेज है. इमेज का कुछ भी हाइट है क्या? कुछ भी डिस्टेंस है क्या? नहीं. देखो यहाँ पे कैसे इतना बड़ा इमेज फॉर्म हुआ था, है ना. यहाँ पे देखो कितना बड़ा इमेज फॉर्म हुआ था. यहाँ पे देखो एकदम छोटू सा इमेज फॉर्म हुआ है. तो देखो क्या लिखा है, इन्फिनिटी पे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा? F2 पे. देखो बराबर F2 पे इमेज का पोजीशन आया, बहुत बढ़िया. साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज कहता होगा, देखो एकदम छोटा सा पॉइंट जैसा. तो यहाँ पे साइज क्या होगा? पॉइंट साइज, मतलब एकदम पॉइंट के जैसा होगा, ठीक है. आगे नेचर क्या होगा? रियल. रियल क्यों? बिकॉज देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ है? मीट हुआ है, ठीक है. एक्चुअल में लाइंस क्या हुए? मीट हुए. और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इसलिए बोला गया है बिकॉज ये क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है. और कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा उल्टा इमेज ही फॉर्म होता है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कंसिडर किया गया है. वैसे हमको पता भी नहीं चल रहा है ये इन्वर्टेड भी है या नहीं, ठीक है. बट हमेशा हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस से इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होता है, इसलिए हम लोगों ने बोला है कि यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, पक्का. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस क्या है. नेक्स्ट केस है बियॉन्ड 2F1.
क्या है, बियॉन्ड 2f1 यानी f1 के जस्ट पीछे साइड, यानी कि सेम ऐसा वाला। तो आप समझ गए ना, ऐसा रहेगा तो कहाँ फॉर्म होने वाला है, f2 और 2f2 के बीच में फॉर्म होने वाला है। ठीक है, अपना टाइम कम है इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो कहाँ फॉर्म होने वाला है, इन दोनों के बीच में फॉर्म होगा। ठीक है, और जो साइज है वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। अच्छा, आपको शायद ये डाउट होगा साइज हम कैसे पता कर रहे हैं, सिंपली आप क्या करेंगे, स्केल से मेजर करने का। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का साइज आप स्केल से मेजर कर सकते हो, ये जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ इसका भी साइज आप क्या कर सकते हो, स्केल से मेजर कर सकते हो। मेजर करके देखो, आपको पता चलेगा कि कैसा है, छोटा सा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्या क्लियर रहेगा? ओके, नाउ थर्ड आप देखोगे यहाँ पे 2f1 केस पे है ना, यानी कि ये जो 2f1 है ये 2f1 के ऊपर जब इमेज रहेगा तब कैसा फॉर्म होने वाला है, चलो देखते हैं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को ये 2f1 के ऊपर क्या कर दिए हैं, यहाँ पर खड़ा कर दिए। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ए और ये इसको नाम दे देते हैं बी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बी ए, नहीं 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 ए बी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। अब देखते हैं इससे इमेज कैसे फॉर्म होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर हम दो इंसिडेंट रे को कंसीडर करेंगे, एक होगा जो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से और दूसरा होगा जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला है। ठीक है, चलो बनाकर दिखाता हूँ। सो आप देख रहे हो सबसे पहला वाला यहाँ पे, ये देखो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, और दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, फोकस नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। कहाँ से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टेड रे होगा वो देखो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पक्का फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, फोकस से। सो ये देखो ये फोकस से पास हो रहा है, क्लियर है क्या ये चीज़, कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, सो ये आपका देखो ऑप्टिकल सेंटर वाला ये आया, यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म हो गया। क्लियर है क्या, यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म, एकदम स्ट्रेट आके यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म हो गया। क्लियर है, सुबह आप क्या करोगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ऊपर बनाओगे, और आप जैसे स्ट्रेट लाइन ऊपर बनाओगे आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो आपका इमेज है, वो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 2f2 पे फॉर्म हो रहा है। चेक करते हैं, यस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, 2f1 पे रहेगा, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, 2f2 पे फॉर्म होगा। यस, देखो बराबर 2f2 पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, अच्छा साइज क्या होगा, आप इधर साइज देखोगे ना तो साइज दोनों का सेम ही निकलेगा। आप नोटबुक पर ड्रॉ करके देखो आपको साइज कैसा दिखेगा, एकदम सेम दिखेगा डिक्टो। ठीक है, इसका जो साइज रहेगा, सपोज ये 2 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये इमेज जो फॉर्म होगा ये भी बराबर 2 सेंटीमीटर का ही फॉर्म होगा। ठीक है क्या, ओके, अब देखो नेचर कैसा होगा इसका, नेचर इसका होगा रियल और इन्वर्टेड। रियल यानी कि क्योंकि ये एक्चुअल में मीट हुआ है, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि ये नीचे साइड फॉर्म हुआ है। अगर ऊपर साइड फॉर्म होता तो हम लोग इसको अरेक्ट बोलते हैं, यानी कि सीधा इमेज। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा उल्टा इमेज ही फॉर्म होता है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं फोर्थ जो कहाँ पर है, बिटवीन f1 और 2f1। तो अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जब 2f1 और f1 के बीच में रहेगा तब इमेज कहाँ फॉर्म होने वाला है। सो अभी हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे जो 2f1 और f1 के बीच में होगा। सो ये मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये ए और ये बी। ठीक है, अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, अब ये 2f1 और f1 के बीच में, देखते हैं यहाँ पर इमेज कैसे फॉर्म होने वाला है। ठीक है, सो जैसा कि आपको बताया है, एक इमेज आपका क्या आएगा, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, और दूसरा इमेज आपका, दूसरा जो लाइट रे होगा वो कैसे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। क्लियर है, सो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद आपका लाइट रे कैसा जाएगा। सो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सिंपल है, वो तो फोकस से ही पास होगा। ठीक है, सो ये कहाँ से पास हो गया, फोकस से पास हो गया। क्लियर है, और आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। क्लियर है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। क्लियर है, अब आप क्या देख रहे हो, ये इधर पे कहीं पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, इधर पे कहीं पे फॉर्म हुआ है। अब यहाँ से आप एकदम ऊपर साइड एक बना लो। ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया है, बी का, यानी कि ये बी डैश बना है और यहाँ पर ए डैश बना है। ठीक है, सो आप देख रहे हो आपका जो इमेज है वो कहाँ बना है, 2f2 के पीछे बना है। कहाँ बना है, 2f2 के पीछे। चलो चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो जब आपका ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में होगा तो जो आपका इमेज फॉर्म होने वाला है वो इमेज आपका 2f2 किधर फॉर्म होगा, 2f2 के बियॉन्ड यानी 2f2 के पीछे फॉर्म होगा। यस, ऑफ कोर्स लार्जर होगा, देखो ना साइज इसका बड़ा है इसके कंपैरिजन में। यस, लार्जर होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल यानी कि एक्चुअल में फॉर्म हो रहा है ना, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा है ये, सीधा है क्या, नहीं उल्टा है ये इमेज। ठीक है, सो यस यहाँ पे देखो फॉर्म होते हुए दिख गया हमको। क्लियर है क्या, अब फिफ्थ वाला क्या है आपका, फोकस पे जाएगा तब, फोकस पे जब रहेगा तब, तो चलो फोकस पे जब रहता है तब वाला बनाते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम हमारा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि कहाँ पर है, फोकस पे। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे, ये ए ये बी। ठीक है,
क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से दो राइट रे, दो इंसिडेंट रे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, दो इंसिडेंट रे यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एक जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये हमारा पहला वाला प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ओके। ये दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ओके। तो ये पास होगा फोकस से, कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, पक्का, ओके। और ये हमारा कहाँ से पास होगा, है ना, ये देखो ये हमारा कहाँ से पास होगा, एकदम ऑप्टिकल सेंटर से, क्लियर रहेगा, पक्का। सो आप देख रहे हो जो आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा उस टाइम पे इमेज जो है आपको इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। इन्फिनिटी पे क्यों, देखो ना पैरेलल है इसके लिए, है ना, पैरेलल जब आता है तो कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो, सॉरी इमेज है, वो बहुत लार्ज होगा, बिकॉज बहुत बड़ा इमेज बनने वाला है, इन्फिनिटी तक जाएगा ना आपका इमेज, तो बहुत बड़ा ही बनेगा ऑफकोर्स, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्ट रियल होगा, है ना, कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड क्यों, बिकॉज नीचे साइड बन रहा है, देखो ना नीचे साइड बन रहा है, ऐसा ऊपर साइड होता तो हम लोग इरेक्ट बोलते हैं ना, बट ये कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है नीचे साइड, ओके। अब हम लोग देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जब एफ वन और ओ के बीच में रहेगा तब क्या होगा, एफ वन और ओ के बीच में रहेगा तब क्या होगा। सो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, ये एफ वन और ओ के बीच में, ठीक है। सो ये आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। सो यहाँ पर भी सेम होगा, एक आपका पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा। सो ये पास हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पक्का, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ओके। तो ये आपका जैसे आपको पता है फोकस से पास होने वाला है, कहाँ से पास होने वाला है, फोकस से पास होने वाला है, क्लियर है। और ये आपका कहाँ जाएगा, पैरेलल जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, सॉरी पैरेलल बोल दिया, ये आपका सीधा सीधा जाने वाला है, ठीक है, विदाउट डेविएशन, है ना। अब क्या इनके बीच में डिस्टेंस सेम है क्या हमेशा, नहीं डिस्टेंस तो सेम नहीं, यानी कि ये कैसे है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब ये लोग डाइवर्जिंग है, ये जो रेज है ये डाइवर्जिंग है, ये रेज क्या हो रहा है, फैल रहा है, देखो एक जा रहा है चाइना, एक जा रहा है नेपाल, एकदम अलग अलग, नहीं नेपाल और चाइना तो बाजू बाजू, मतलब ये क्या हो रहा है, एक जापान जा रहा है तो एक चीन जा रहा है, ओहो बॉयकॉट चाइना, नहीं चीन नहीं जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, ठीक है क्या, ओके। सो ये क्या हो रहा है, देख मतलब कहने का मतलब है एक लाइट रे कहीं और जा रहा है और दूसरा लाइट रे क्या आ रहा है, कहीं और जा रहा है, ठीक है। सो ये लोग मिलने वाले नहीं है, ठीक है, मिलने वाले नहीं है तो क्या मतलब, ये इमेज फॉर्म होगा कि नहीं होगा, इमेज तो फॉर्म होगा बट कुछ अलग तरीके से हम इसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इसको फॉर्म करने के लिए हम एक जुगाड़ लाएंगे, हम क्या करेंगे बताएं, हम अज्यूम करेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से आपका जो इमेज है मतलब जो लाइट रे है वो इस तरफ पीछे आया, ठीक है, इस तरफ का आया पीछे आया, और ये वाला जो लाइट रे ये हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं फोकस से, एफ टू फोकस से, ठीक है, F2 फोकस से बन रहा है, ठीक है, F2 फोकस से निकला और यहाँ पर आके क्या हुआ, मीट हुआ, ठीक है। सो आपका इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, आपका इमेज ये पीछे साइड फॉर्म हुआ, कहाँ फॉर्म हुआ, पीछे साइड फॉर्म हुआ, ठीक है। ये आपका B का यहाँ पर B बना और यहाँ पर आपका A बना, तो आप देख रहे हो इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है आपका, इमेज आपका हर बार कैसा फॉर्म होता था, राइट साइड में फॉर्म होता था, है ना, क्योंकि वो एक्चुअल में मीट होते थे लाइट रेज, बट यहाँ पर एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं हुए, हम लोग ने अज्यूम किया कि पीछे कहीं पर मीट हुआ होगा। तो ऐसे टाइप के जो इमेजेस बनते हैं ना उस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। ये चीज़ क्लियर रहेगा क्या, पक्का, नो डाउट यहाँ तक, ओके। और यहाँ पे आप हाइट देखो ना इमेज का, इमेज का हाइट कितना है, बड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है, मतलब लार्जर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और जो इमेज है वो देखो हर बार की तरह उल्टा नहीं फॉर्म हो रहा है, मतलब इस बार सीधा इमेज फॉर्म हो गया, यानी कि हर बार नीचे उल्टा इमेज फॉर्म होता था, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता था, इस बार इमेज कैसा फॉर्म हुआ है, अरेक्ट इमेज फॉर्म हुआ है, एकदम सीधा इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है सेम वैसा इमेज भी दिख रहा है, क्लियर है क्या, पक्का। सो दिस इज अरेक्ट इमेज, ठीक है। सो देखो इसका डिटेल देखो, बिटवीन एफ वन और ओ रहेगा तो आपका पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के सेम साइड भी इमेज फॉर्म होने वाला है, ओके। साइज क्या होगा, वेरी लार्ज, देखो ना साइज कैसा बड़ा सा एकदम बना हुआ है, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, बिकॉज ये एक्चुअल में बना ही नहीं है, ठीक है, हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं ये बना है। और एरेक्ट यानी कि सीधा ही फॉर्म होगा, ठीक है, इमेज कैसा फॉर्म होगा, सीधा फॉर्म होगा। सो आई होप आपको समझा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज फॉर्म होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को लेकर, क्लियर है क्या। अभी सेम चीज हम लोग कॉनकेव के साथ में देखेंगे, किसके साथ देखेंगे, कॉनकेव के लिए, पहले देख लेते हैं उसका रूल्स क्या है, ठीक है। अब क्या लिखा है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जो इमेज फॉर्म होता है वो, तो उसके लिए भी कुछ रूल है। देखो सबसे पहला वाला रूल क्या है, रूल है व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड पासेस थ्रू द फोकस। सर इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक कॉनकेव लेंस कंसिडर किया है और ये येलो वाला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। सो क्या लिखा है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक इंसिडेंट रे बनाता हूँ
जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये एक इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ओके, पैरेलल है, इंसिडेंट रे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, आगे क्या लिखा हुआ है, द रिफ्रेक्टेड रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड। अब जो रिफ्रेक्टेड रे यहाँ पे फॉर्म होगा ना, सो जैसा कि आपको पता है कॉनकेव लेंस जो है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। सो यहाँ पर जो रिफ्रेक्टेड रे होगा ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा, ठीक है, यानी कि अवे ऐसा दूर जाएगा, ठीक है, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा डाइवर्ज होगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड पासेस थ्रू द फोकस। अब इसको अगर आप ना बैकवर्ड पीछे की तरफ क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, चलो एक्सटेंड करके देखता हूँ। सो इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये अच्छे से नहीं हो रहा है, सो इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो एक्सटेंड करके जहाँ पे भी ये मिलेगा वो क्या होगा, आपका फोकस होगा, क्या होगा, फोकस। सो ये है आपका फोकस, क्या ही है आपका, फोकस है, क्लियर रहेगा क्या। तो देखो यहाँ पे आपका क्या बन गया, फोकस बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है, रूल क्या है कॉनकेव लेंस का, सबसे पहला रूल है कि अगर कोई इंसिडेंट रे है जो पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसका जो रिफ्रेक्टेड रे है उसको अगर आप बैकवर्ड की तरफ क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो वो हमेशा कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, कहाँ से पास होगा, फोकस से, ये बात हमेशा याद रखना, क्लियर है क्या। अब सेकेंड रूल देखते हैं क्या है। नाउ सेकेंड रूल इज व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस। अब अगर आपका इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा, द रिफ्रेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रिफ्रेक्टेड रे होगा वो किसके पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सपोज यहाँ पे कहीं आपका फोकस बना है, यहाँ पे कहीं क्या आपका फोकस, और इस फोकस से अभी एक इंसिडेंट रे पास होगा, ठीक है। सो ये आपका इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ये इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ये चीज क्लियर रहेगा पक्का। तो ऐसे टाइम पे जो रिफ्रेक्टेड रे होगा ना वो क्या होगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या होगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, क्लियर है ये चीज पक्का, याद रखना। जब भी आपका इंसिडेंट रे पास होगा फोकस से, इंसिडेंट रे आपका देखो फोकस से पास हो रहा है ग्रीन वाला, तो उस टाइम पे जो रिफ्रेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा कॉनकेव लेंस के केस में, क्लियर रहेगा ये चीज पक्का। यही सेम चीज आप किसके साथ देखते हो, कॉन्वेक्स लेंस के साथ भी देखते हो, ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है, क्लियर है क्या ये चीज पक्का, चलो ठीक है। सो यही कुछ दो रूल्स है कॉनकेव लेंस के लिए, ये दो रूल आपको याद रखना, इसी के थ्रू कॉनकेव लेंस से भी क्या होने वाला है, इमेज फॉर्म होने वाला है, ठीक है। सो क्या दिया यहाँ पे, एज शोन इन द फिगर 7.9 फिगर में जैसा कि दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट पी क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन F1 and 2F1। अब देखो यहाँ पे F1 और 2F1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट पी क्यू रखा हुआ है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, ओके। द इंसिडेंट रे PA, अब यहाँ पे एक इंसिडेंट रे गया हुआ है ये PA, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है आगे अलोंग AD आफ्टर रिफ्रेक्शन, ठीक है। अब देखो ये AD सो है ना, AD रिफ्रेक्ट हुआ है एज अ AD, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, आफ्टर रिफ्रेक्शन AD इज एक्सटेंडेड बैकवर्ड। अब AD को आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू रूल बैकवर्ड क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो कहाँ से पास होगा, फोकस से, है ना, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F1। सो ये देखो क्या होगा, F1 से पास होगा, और हमको ऐसा लगेगा कि से F1 से ही क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, F1 से क्या हो रहा है, आ रहा है ये लाइट रे इस लेंस के ऊपर। आगे क्या लिखा है, द इंसिडेंट रे PO स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड पासिस थ्रू O। अब यहाँ पे देखो P से क्या होगा, इंसिडेंट रे पास होगा O से, गोज अलॉन्ग अ सेम डायरेक्शन आफ्टर रिफ्रेक्शन। अब रिफ्रेक्शन के बाद ये सेम डायरेक्शन जाएगा, बिकॉज क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई लाइट रे पास होता है तो क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, क्लियर रहेगा। अब आगे क्या लिखा है, PO इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड रे। अब ये जो PO है ना, ये एक्सटेंडेड रे को क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनो, ये जो PO है ये एक्सटेंडेड रे AD का जो पीछे साइड लेके आया है उसको यहाँ पे कहीं पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो उस पॉइंट को हम लोग P डैश बोलेंगे, ये P का इमेज P डैश बोलेंगे, ठीक है। सो P डैश इज द इमेज ऑफ P, ओके, समझ में आ गया। एज द पॉइंट Q इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अब पॉइंट Q प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहाँ पे भी Q डैश बनने वाला है, वही पुरानी बात, ठीक है। थस P डैश Q डैश इज द इमेज ऑफ PQ, तो PQ का इमेज कहाँ बना, P डैश Q डैश पे बना, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब एक बात हमेशा रखना, ये आपको MCQ के लिए पूछ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकता है कि कॉनकेव लेंस से जब भी इमेज कोई फॉर्म होगा, हमेशा कभी भी कोई भी इमेज अगर फॉर्म हुआ कॉनकेव लेंस से, सो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा मतलब एक्चुअल में फॉर्म होता ही नहीं है।
कॉन्केव लेंस से कोई भी इमेज एक्चुअल में फॉर्म होता ही नहीं है, सब आपको एक्सटेंड ही करना पड़ेगा पीछे, ठीक है, इसका रूल ही एक्सटेंड करो पीछे, समझ रहे हो? ओके, और दूसरा एरेक्ट होगा हमेशा, यानी कि उल्टा इमेज फॉर्म नहीं होगा, जैसे आप कॉन्वेक्स में देख रहे थे उल्टा इमेज फॉर्म होता है, इसमें उल्टा इमेज कभी फॉर्म नहीं होता, ठीक है। और तीसरा, हमेशा जो भी इमेज फॉर्म होगा वो छोटा फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा? छोटा, यानी कि आप कॉन्वेक्स के थ्रू ना मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म कर सकते हो, इसीलिए टेलीस्कोप में, इसीलिए माइक्रोस्कोप में हमेशा कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है, बिकॉज उसमें आप मैग्नीफाइड कर सकते हो, जो आपका इमेज फॉर्म होगा इमेज बड़ा भी फॉर्म हो सकता है, बट वहीं अगर हम कॉन्केव लेंस यूज कर लेंगे तो वहां पे बड़ा इमेज फॉर्म नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट से छोटा ही इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, क्लियर रहेगा? ओके, सो इतना बात समझ में आ गया। तो नीचे देखो, इसी तरह से बनता है। देखो, जब इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा तो पैरेलल लाइट रेज आएंगे, पैरेलल लाइट रेज आएंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा फोकस से पास होगा, उधर जाएगा फोकस से पास होगा, ठीक है, तो फोकस पे आपका इमेज बनने वाला है, समझ रहे हो? ये तो आपने देखा पहले भी, है ना, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा और पॉइंट साइज होगा इमेज, ठीक है। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आपने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, एक्चुअल में पास नहीं हो रहा, और इरेक्ट इसलिए बोल रहे हो बिकॉज इससे हमेशा इरेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। और अब आगे लिखा है, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ और इन्फिनिटी। अब ऑप्टिकल सेंटर ओ और इन्फिनिटी, इसके बीच में कहीं पे भी आप अपना ऑब्जेक्ट रख लो, हमेशा आप देखोगे आपका जो इमेज बनने वाला है वो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ही बनेगा, ठीक है। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड इन्फिनिटी, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी अगर आप प्लेस कर दो, जैसा कि आपने कॉन्वेक्स के लिए देखा, 2f1 पे आपने प्लेस करके देखा, 2f1 और f1 के बीच में प्लेस करके देखा, f1 पे प्लेस करके देखा, है ना। सो आपने अलग अलग जगह पे क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देखा, उसके हिसाब से आपका जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका भी क्या हो रहा था, डिस्टेंस वेरी कर रहा था, डिस्टेंस बदल रहा था, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, आप ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी अपना ऑब्जेक्ट रख लो, अपना ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख लो, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही फॉर्म होने वाला है। इमेज आपका हमेशा कहाँ पे फॉर्म होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही फॉर्म होगा। क्लियर है ये चीज़? ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज कोई भी इमेज आप पैरेलल भेजोगे तो ऐसा डाइवर्ज होगा, और उसको आपको कहाँ से पास करना होगा, फोकस से पास करना होगा। और जो भी आपका इमेज, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी होगा, उसको आपको एक दूसरा कहाँ से पास कराना है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है। तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ है, जो भी इंटरसेक्शन का रीजन है, वो इतना ही होगा, और इतने के बीच में मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आपका इमेज फॉर्म होने वाला है, पक्का यही होता है। और आपका जो इमेज फॉर्म होगा ना, वो हमेशा छोटा सा इमेज फॉर्म होगा, स्मॉल साइज होगा, ठीक है। इसलिए आपका इमेज का साइज क्या है, हमेशा स्मॉल है, ठीक है, और वर्चुअल इरेक्ट होगा, क्लियर है। सो दैट्स ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें हम लोगों ने कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, मैंने टेक्स्ट बुक के थ्रू आपको समझाया, आपको कैसा लगा ये चीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपको ये चीज़ पसंद आता है तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते इस चैप्टर को, अगर नहीं पसंद आता, इतना कुछ सही नहीं लगता, हमारे पहले के जैसे वीडियोज है वैसे ही आपको अच्छे लगते हैं, तो हम इस चैप्टर को, सॉरी इस टॉपिक को वापस से बनाएंगे अपने तरीके से, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।